जय श्री कृष्ण दोस्तों। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये पर्व बहुत ही शुभ और पवित्र पर्व माना जाता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि का पर्व माना जाता है। और इस बार की शिवरात्रि बेहद खास होने वाली है। बड़ी ही पुण्य प्राप्त करने वाली ये शिवरात्रि होगी। इस दिन को बड़ा ही सिद्धकारी माना गया है और कई दुर्लभ संयोग इस शिवरात्रि पर बन रहे हैं। और इस शिवरात्रि में 12 राशियों में से 4 ऐसी राशियां हैं जिन पर भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से बरसने वाली है। हालांकि 4 राशि वालों पर सबसे अधिक कृपा बरसने वाली है, बाकी जो 7 राशियां हैं उन पर भी कृपा होगी, लेकिन उन 4 राशियों से कम। दोस्तों, शिवरात्रि का त्योहार ऐसा होता है जिससे शिव के भक्तों में उमंगे भर आती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पहला दुर्लभ संयोग ये है कि इस बार महाशिवरात्रि पर पहला सोमवार पड़ रहा है और सोमवार का दिन भगवान शिव को ही समर्पित होता है। इसलिए इस दिन जो जातक विवाह करना चाहता है वो इस दिन व्रत जरूर रखे, जिससे अविवाहित जातकों का जल्द ही विवाह हो जाएगा और उन्हें पंचामृत का अभिषेक अगर आप करें तो बहुत ही शुभ होगा। दूसरा जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वो ये है कि इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होंगे और चंद्रमा शिव के सिर पर विराजमान है, तो यह नक्षत्र आपके लिए वैभव, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। वहीं जो दोस्तों तीसरा दुर्लभ संयोग है वो है कि इस बार शिवरात्रि पर शिव योग भी बन रहा है, यानी शिव के साथ शिव का योग होना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। और चौथा जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वह है सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सभी कार्य को पूरा कराने वाला योग। दोस्तों, पांचवा जो दुर्लभ संयोग है वो ये है, घनिष्ठा नक्षत्र। इस दिन यह नक्षत्र रहने वाला है, यानी कि ये शिवरात्रि इतनी खास होने वाली है कि 4 राशि के जातकों के लिए तो कुबेर के भंडार खुलने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वो 4 राशियाँ। दोस्तों, इनमें पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही खास रहने वाला है। खासकर बात करें हम स्टूडेंट की, स्टूडेंट के लिए ये समय बेहतरीन रहने वाला है। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, अपना कोर्स पूरा किया है और उनको इस समय प्लेसमेंट की आवश्यकता है, कोई नौकरी उनको इस समय में मिल सकती है। और जो जातक इस समय नौकरी में है उनको अपनी नौकरी में तरक्की मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी ये समय बेहतरीन समय लेकर आया है। और यदि हम अपनी बहनों माताओं की बात करें तो भगवान शिव की कृपा पाने का ये शुभ दिन है। इस दिन भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए ये समय बेहतरीन समय लेकर आया है, तो खुश हो जाएं और खुशियां मनाएं। वहीं दोस्तों, अगर हम दूसरी राशि की बात करें तो दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को अपने किसी करीबी की वजह से धन लाभ का योग बना हुआ है। आपकी डेली इनकम में वृद्धि का योग बना हुआ है। आय के एक से अधिक स्रोत आपके लिए इस समय में बन सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने वाली है। आपके सभी कार्य समय से पूर्ण होने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम तीसरी राशि की बात करें तो तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए धन कमाने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बस आपको कोशिश करनी है, यानी कि आपको कर्म करना है, कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। तो इस शिवरात्रि पर यदि आप भगवान शिव का व्रत रखते हैं तो आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और आपके लिए ये समय बेहतरीन रहने वाला है। दोस्तों, वहीं हम चौथी राशि की बात करें तो चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि की बात करेंगे तो जो जातक किसी लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान थे या बीमार थे तो उनके लिए ये समय बेहतरीन रहने वाला है और इनकी जो मानसिक चिंता थी वो खत्म होने वाली है। इनको आर्थिक रूप से समृद्धि मिलने वाली है। इनकी आय में बढ़ोतरी का योग इस समय में बनने वाला है। शिवरात्रि पर आप भी भगवान शिव का जरूर व्रत रखें और भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। देखिएगा, आपके एक के बाद एक काम बनते चले जाएंगे और आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।